हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अच्छा मैनेजर कौन नहीं बनना चाहता? हर इंसान अच्छा मैनेजर, एक अच्छा टीम लीडर, एक अच्छा मैनेजर बन के एक अच्छी ग्रोथ पे जाना चाहता है और एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहता है। बट कुछ छोटी छोटी कमियों की वजह से कहीं ना कहीं उसकी प्रमोशंस या उसकी टीम कहीं ना कहीं उससे दूर हो जाती है और कहीं ना कहीं उससे नाराज हो जाते हैं लोग, उसके बॉसेस या उसकी प्रमोशंस की दूरी बढ़ जाती है। तो आज क्या आखिर ऐसा क्या होता है जो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं? कुछ नहीं होता, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जिनके हमें ध्यान देने की जरूरत होती है पर हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे कि आप अपनी आपके पास अगर टीम है, अगर आपके पास 5-10 लोग काम कर रहे हैं, आप किसी टीम लीड करते हैं या बहुत सारे लोग आपके नीचे काम करते हैं या बिजनेस कर रहे हैं और आपके नीचे एम्प्लॉय हैं, ये उन सब के लिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अपने आपकी जो टीम है, आप सबसे पहले उस टीम के साथ में आप पहले तो फैमिलियर हुई है। फैमिलियर का मतलब ये होता है कि आप उनके साथ बैठिए, उनके से बात करिए, उनसे बात करने के बाद में उनके साथ उनकी प्रॉब्लम को सुनिए, प्रॉब्लम सुनने के साथ साथ थोड़ा सा फैमिलियर होकर हंसी मजाक पे थोड़ा सा हंसी मजाक करिए तो उनको लगेगा कि आपके साथ बैठ के उनको गुड फील होगा और गुड फील के साथ साथ वो कहीं ना कहीं आप दोनों आपकी और उनकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। हालांकि बॉन्डिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई दोस्ती बढ़ाना है, पर एक बॉन्डिंग का मतलब आपके प्रति उनका जो नजरिया है जो वो काफ़ी चेंज हो जाएगा और आपके काफ़ी वो आपके लिए काफ़ी सोचने लगेंगे, क्योंकि भाई आपकी टीम है, आपको कहीं ना कहीं प्रमोशन दिलाने में वो पिलर है और वो पिलर की तरह काम करते हैं। अगर वो अच्छा बिजनेस देंगे या कुछ अच्छा करके देंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रेडिट मिलता है। तो हमें अपने पिलर्स को सबसे पहले नीचे से मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए हम पहले तो अपने प्यार का और उसके एक मरहम लगा के उसको बड़ा करेंगे। मतलब तो उसको आप उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए, बात करने के बाद में आप उनके साथ सोचिए। दूसरा ये होता है कि सबसे ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे या किसी भी छोटी सी कमी में अपनी टीम के लोगों को डांट देते हैं या उनके ऊपर बरस पड़ते हैं, अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी टीम के साथ में गुस्सा या इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। हाँ, टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती है या कोई बहुत बड़ी गलती करता है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर कोई छोटी गलती करता है या किसी वजह से कुछ हो जाता है, वो ना चाहते हुए भी कर रहा था, तो उसके ऊपर पूरा गुस्सा निकालने से अच्छा है कि आप उसके साथ बैठें, उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करें और उसको अपना एक्सपीरियंस बता के या उसके लिए कुछ अलग से चीज़ें सोच के या कुछ जो भी आपके दिमाग में है या कैसे आप कर सकते थे, आप होते अपनी जगह में अपने आप को रख के आप उस आइडिया निकाल के उसको आप देके आप उसको दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट भी हो जाएगा। मोटिवेट होने के बाद में आपने जो काम आपने उसको दिया है वो और अच्छे से करके आपको बहुत जल्दी वो मैच्योरिटी करके दे देगा। तीसरी बात जो होती है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रेशर कर देते हैं, एक प्रेशर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं कि जो इंसान जब वो एम्प्लॉय या टीम, हमारी टीम काफ़ी बिखरने के कगार पर रहती है, उनको लगता है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है यार कैसे करूं मैं, क्या करूं, ये तो परेशान करके रखा हुआ इन्होंने, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें चलती हैं लोगों के दिमाग में। पर उसको लिए ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप फ्रस्ट्रेट ना करके आप एक रिव्यू मीट करिए, आप उनके साथ बैठिए, बैठ के सारे लोगों की प्रॉब्लम सुनिए, आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है और कैसे होगा, आप उसके बारे में डिस्कस करिए, मार्केट रिसर्च पे जाइए और उनके अपने प्रोडक्ट यूएसपीज एंड जो भी आप कर रहे हैं उनके बारे में आप बता के उनसे अच्छे से डिस्कशन करके अपनी टीम को और अपग्रेड करिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि उसे अपग्रेडेशन की ज़रूरत हो सकता है कुछ ऐसे टूल्स चाहिए हो जो उसके पास नहीं है, जो अदर के पास है, जो उसके पास नहीं, जिस वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो एक ये भी ज़्यादातर जो टीम अच्छे टीम लीडर या अच्छे मैनेजमेंट लोग होते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं। चौथी चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर लोग जो अच्छा एम्प्लॉय है या जो अच्छी टीम का मेंबर है उसकी तरफ प्रेफरेंस ज़्यादा होता है, तो ये बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही कर देते हैं कि अच्छा कमा के दे रहा, ओ वाओ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा करके देता है मुझे, तो ये तो मेरे लिए सबसे अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपकी टीम बराबर है, सारे लोग आपके बराबर के लोग हैं, आपने सबको लेके चलना है, तो यू आर अ फैमिली एक्चुअली, तो आपको सारे लोगों को एक साथ लेना है। अगर कोई
अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको मोटिवेट करना है, उसको साथ में लेके चलना है, ऐसा नहीं कि सबके सामने आप उसको उसको नीचे गिरा के उसको डांट रहे हैं, आप उसको उठा रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, वो काफी परेशान होगा और आप कहीं ना कहीं वो आपकी जॉब भी छोड़ सकता है। तो इस तरीके से आप अच्छे आदमी को भी आप लूज कर सकते हैं। तो अपने टीम में आप उनको बैठा लिए, उनके साथ बात करिए, बात करके आप उनके साथ जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कशन करके अपनी टीम को सारी टीम को एक करके ही आप आगे लेके जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट से जो हमने बात करी है कि किस तरीके से अपने टीम को और बेहतर बना के आप किस तरीके से एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी जॉब या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन पे चला सकते हैं और आप एक अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं।